कौन जीतता है? चलिए इंशाल्लाह मैं तो बोल रही हूं इंडिया जीते ऑब्वियसली, बट लेट्स क्रॉस द फिंगर अर्जुन से इंडिया 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 व्हाट आर यू बेटा बताइए कौन जीतेगा अर्जुन? चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं और फिर हम लोग चीयर करेंगे इंडिया के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप कैसे हैं ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी और एग्जैक्टली आप हमारा कनेक्शन भी बनेगा। सो गाइस, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ये जो टॉपिक देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मेरा ये व्लॉग मैंने क्यों शूट किया। तो इंडिया पाकिस्तान की मैच जो बहुत सालों बाद होती है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, यू नो इतने दिन बाद होती है। तो इससे पहले मैंने अपना ये एपिसोड ख़त्म कर देना है। कुछ सब साथ में देखने वाले हैं, जैसे मेरी बहन जो है अमरीन आ रही है, उसके हस्बैंड आ रहे हैं और हम लोग सब मिलके जब देखेंगे मैच तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो साथ ही साथ मैं एक व्लॉग भी शूट करने वाली थी DIY, तो वो भी आप लोगों से वीडियो शेयर करती जाऊंगी वन बाय वन। सो प्रिपरेशन में मैंने इंशाल्लाह जब इंडिया जीत जाएगा तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे बिरयानी के साथ। तो बाकी आगे का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और बेबी की थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो वो जो कि रेस्ट कर रही है हानिया, उसको क्या है ना कि बच्चों को थोड़ा सा कान में पेन होने लगता है जब सीजन चेंज होता है। तो यू नो देख रहे हैं कि फ़ैन कितना स्लो चल रहा है, फिर भी उसको अभी से पेन हो रहा है। तो बेबी मेरी यहाँ पे रेस्ट कर रही है अभी। सो गाइस, तो ये हानिया यहाँ पे रेस्ट कर रही है। बेटा हनी उठ जाओ, बेटा उठ जाओ। तबीयत कैसी लग रही है बेटा आपकी? तो ये अभी रेस्ट कर रही है बेटी मेरी। बेटा उठ जाइए, आपकी तबीयत कैसी है बेटा? ठीक लग रही है अभी? हाय बोलो। हाय दारा। तो वो अभी रेस्ट कर रही है, उसके कान में पेन हो रहा है गाइस। तो कोई होम रेमेडीज अगर आप लोग जानते होंगे तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि जब इस तरह से बेबी की जब कान में दर्द होता है तो क्या किया जाता है। मैंने तो जो जो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है वो मैंने किया, जैसे कि जब सीजन चेंज होती है, यू नो अभी तो अक्टूबर ही है और फिर ऐसा हो रहा है। तो आप लोग अगर कुछ जानते होंगे ट्रीटमेंट तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी सब कोई अपने अपने तैयारी के लिए गए हुए हैं, जैसे मेरे हस्बैंड अपना तैयारी कर रहे हैं कि वो मैच देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आएंगे। पूरा हम लोग ये ना यहाँ ही पे हम लोग फील्ड बनाने वाले हैं गाइज। तो ज़रूर व्लॉग मेरी आगे की पूरी देखिएगा, हम बहुत मज़ा आने वाला है। खोल रही हूँ, रुको। आओ साहिल। दुकान अच्छा, बच्चे लोग कुछ लाने के लिए गए, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक साइड। ओके चलो, आते ही होंगी बच्चे। वाह हानिया, आप लटक गए थे, कहाँ मिल गई थी तो? तुम तो पापा के साथ गई थी कोल्ड ड्रिंक लाने। आई 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 आई, चले आइए, दुआ भी आ गई है। मैच देखने समझ आता है आपको? दुआ तो गाइस ये लोग भी आ गए हैं। अब मैच का तो कुछ ओवर हो भी गया है, मैंने अभी तक वो शूट नहीं किया है पर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नाश्ता लगाने के चक्कर में रहती। मेरे हस्बैंड को नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, यू नो खाना सब चाहिए होता है मैच के लिए। चलो आओ तुम भी। यार विकेट गिरी भी गया, मौका सीरियस हो रहे हैं आप, इतना भी सीरियस मत रहिए। इंशाल्लाह इंडिया जीत जाएगा, डोंट वरी। चलिए खाएं खाएं आप लोग। क्या बेटा? नो नो बेबी, आपको कोल्ड ड्रिंक में आपके कान में दर्द भी हो रहे थे ना? ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तैयारी करती हूँ बाकी खाने की। सो गाइस पनीर मंगाया हुआ है एंड थोड़ा सा चिकन मंगाए हुए हैं, तो बनाएंगे वेज बिरयानी एंड बनेगी चिकन चिल्ली। मैं आप लोग से शेयर कर दूंगी। पैक पे नहीं, बहुत पैक पे क्यों हो रहा है? तो आराम करती हूँ ज़्यादा इसलिए। आराम नहीं करती। मैं कि मोमोज ले लूँ? हनी मोमोज, वाव मेरा फेवरेट मोमोज। लाइफ में तुम्हें सबसे प्यारा कौन है?
माइक्रोवेव में गर्म कर देती हूँ। तीन सौ बच्चे पड़े, 300 चिकन के टुकड़े, तो उनका भी कोई आंच नहीं आने दो। नहीं हनी, कौन जीतेगा बताओ तो बेटा, अभी आने बताओ। दुआ को तो पूरा समझ आ रहा है, दुआ पूरा मैच समझ आ रहा है दुआ क्या। हेलो गाइस, सो मैं यहाँ पे चिकन ले लिया है, 250 ग्राम है एंड मैं इसे मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए हमें पाए चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून अपने चिकन के अकॉर्डिंगली, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सोया सॉस। सोया सॉस मैंने बस इस बॉटल के कैप से वर्क कैप डाला, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, जो डार्क और लाइट सोया सॉस होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं ना। फिर अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और हाँ, सारे सॉसेस में भी सॉल्ट होता है, तो जब चिकन चिली बनाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा सा नमक होता है। यहाँ पर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने डाला, आप अपनी अकॉर्डिंग टेस्ट के कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कर दूंगी और मैं ये कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टच भी कहते हैं इसे, एंड अररोट भी कहते हैं बहुत सारे झारखंड एंड बिहार में, तो इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे गाइस प्रॉपरली। एंड आपको ये जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे ऐड कर दीजिएगा। जैसे लिक्विड बना के आपने यूँ नहीं करना है, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डाल देना है। फिर मैंने वहाँ पर वो 1 टीस्पून और ले लिया भर कर, ज़्यादा आपको बोर नहीं करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओके गाइस, एंड फिर इसमें 1 एग डाल दूंगी। एग इसलिए डाला जाता है जब आप फ्राई करो ना ऑयल में तो ये ख़राब नहीं होगी, ऑयल आपकी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, ये झटकेगा नहीं इधर उधर, और अच्छे से फ्लपी फ्लपी सा होगा और क्रिस्पीनेस आपकी चिलीज़ में आएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, या फिर हाफ एन आवर के लिए एटलीस्ट आपने इसे ढककर रख देना है। उसके बाद तैयारी कर लीजिएगा, जैसे शिमला और गाजर जो भी आपको जैसे अनियन वगैरह गार्लिक वगैरह, तो वो तैयार कर लीजिएगा गाइस। तो नेक्स्ट प्रिपेयर हमें करना है, मैंने शिमला ले लिया, इसको स्क्वायर स्क्वायर में इस तरह से चॉप्ड कर लिया, एंड मैंने लिया ग्रीन चिली, स्लेट कर देना है। अनियन को इस तरह से भी चॉप चॉप कर लेना है, एक अनियन को पूरे अच्छी तरह से खोल लेंगे। गार्लिक भी फाइन फाइन चॉप कर लेंगे, आपसे जितना होगा उतना कर लीजिएगा, और इसे अच्छे से एक साइड रख दीजिएगा। उसके बाद मैंने टू हीट रखना है आपको, फिर यहाँ पे एक एक करके इस तरह से डाल दें। किरण भी आ गई हैं, देख लीजिए मैच देखने, बोले कि हम लोग सब एक साथ ही देखेंगे। तो किरण कुछ मैसेज बोल दो, कुछ बोलो भी, बस तुम्हें देख रहे हैं। Enjoy your life alone. No, not alone.
अच्छा आप लोग दोनों साली और जीजू का नोकझोंक चलता रहेगा, फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैच के ऊपर। एंड किरण आप व्यूअर्स को हाई तो बोल दीजिए। अर्जाम बेटा ले रही, मम्मा ले रही है। देखिए रॉकी ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि वीडियो हाई कीजिए। चलो 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 भूख लगे। अरे 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 फोर हो गया ना। चलो अल्लाह का शुक्र कितना पहुंच गया 135/2। मुझे तो इतना कुछ बनाने के लिए आप दे दिए हैं और व्लॉग भी शूट करनी है। वाह वाह वाह, तो मैंने सोचा शूट कर ले। सो गाइस ये इतना आँच लो कर देना है, फ्लेम धीरे कर देना है क्योंकि ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। मैंने कलर नहीं डाला है इसलिए ऐसा, आप चाहें तो फूड कलर के। ठीक है, तो जब तक मैं इधर ये फ्राई हो रहा है, दूसरा वाला ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया है, तो मैंने ये सोचा क्योंकि ना अभी इसे फाइनल किया जाए, तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है या कोई भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल जो भी वो, इसे टॉस करते रहेंगे और एक मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने शिमला एंड थोड़े से मैंने ग्रीन चिलीज 5-6 लिए हैं, उसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। शिमला इसलिए पहले डाल देती हूँ ना, शिमला थोड़ा सा गल जाएगा, उसके बाद अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऐड करूँगी प्याज अनियंस, इसलिए क्योंकि वो तुरंत गल जाते हैं, उसका कोई मेज़र नहीं करता। यहीं पर मैं गार्लिक भी ऐड कर दूँगी फाइनली एकदम चॉप्ड किए हुए, एकदम जितना आपसे हो सके उतना चॉप्ड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अच्छे से इसे मिलाएंगे, मिलाने के वक्त ही हम यहाँ पर थोड़ा सा एकदम पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे एंड यहीं पर थोड़ा सा मैं शुगर ऐड करूंगी, वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इसे अच्छे से चला लेंगे, मिक्स हो जाएगा। अब मैं यहीं पे ऐड कर दूंगी, अच्छे से चला लें, यहीं पे ऐड कर दूंगी सारी चिली फ्राइज में, यहीं पे सब सॉस जाएगा। इस तरह से यहाँ पे चलाएंगे अच्छे से, इससे अच्छा फ्लेवर आता है चिलीज़ का, और यू नो जो शिमला होती है उसका फ्लेवर हमारी जो चिकन होती है उसके अंदर तक जाता है। सॉस में डालने से क्या होता है कि उतना फ्लेवर अंदर तक नहीं जा पाता, बट ये मैं ऐसा करती हूँ तो इसकी फ्लेवर जो है ना अंदर तक जाती है। और यहाँ पे आँच फ्लेम तेज़ रखेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। याद रखेंगे बैलेंस रखेंगे चलाने वक्त, वरना पूरा चिलीज़ और ये आपका जो अनियंस वगैरह है वो जल जाएंगे। अब यहाँ पर फ्लेम स्लो करके सॉस डाल देंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा सोया सॉस। सोया सॉस अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सॉस है रेड चिली सॉस जो नया पैकेट में है। यहाँ पर डाल दी टमाटर केचप, फिर यहाँ पर टॉस्ट करेंगे। अब मैं डालूँगी रेड चिली केचप, यहीं पर ऐड करूँगी थोड़ा सा। ये बहुत तीखा होता है याद रखिएगा, क्योंकि ये रेड चिली सॉस है, चिली सॉस जिसको बोलते हैं सिंपली, मैं रेड चिली बोल देती हूँ ना, आदत हो गई है। यहीं पे ऐड करूँगी थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा ऐड कर देंगे बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम बेसी कर सकते हैं। और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद मिक्स करने के बाद थोड़ी सी ऐड करूँगी वाटर। तो बस इसी तरह सब सॉस मिक्स कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी वाटर ताकि ये जले ना, और इस तरह से हमें अच्छा से यहाँ पे चला लेना है। मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड नहीं किया इसलिए मेरी कलर ऐसे लग रही है, आप फूड कलर ऐड कर देंगे क्योंकि चिली मेरे एक दो दिन खाने के बाद मैं खाती रहती हूँ तो चिली ऐड नहीं करती, सॉरी मैं कलर ऐड नहीं करती। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर जो मैंने इसकी सैलरी बना रखी है, इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। एंड यहाँ पे बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और पहला जो बॉईल आएगा उसके बाद से इसे रख देंगे। सो गाइस इसमें उबाल आ चुका है तो ये चिली हमारी रेडी हो गई है, इस तरह से बन गई है हमारी चिकन चिली। अब मैं इसे साइड कर दूँगी, फ्लेम यहाँ पे मैंने बंद कर दी। हे गाइस तो हम लोग खाना बनाते मेरे फ़ोन की जो होगी ये बैटरी लो, तो मैंने व्लॉग यहाँ पे बंद कर दिया है, थोड़ी देर बाद शूट करूँगी। और मेरा बेबी भी बहुत रो रहा था, अर्जाम ये नहीं करती बेटा, पापा की है। देखिए अमरीन हमेशा की तरह काम चोरी करते हुए बैठी हुई है, काम नहीं कर रही है। किरण इधर है, आइए किरण, आप तो हंसने के अलावा कुछ करती? नो।
छोटे आप क्यों छुप रही हैं पीछे? छोटे को सार मारी है छोटी। सो किरण कुछ बोलिए मैसेज आप कुछ दीजिए। हाँ, किरण को ससुराल से जब छुट्टी मिलती है किरण मैं यहीं आ जाती हूँ दौड़ के। नानी 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 क्या कर रहा? तू बोलती हूँ मैं, मुझे अब हम लोग सबको गोद ले लो। वही तो एक पैर लेकर मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते रहते हैं कि सारे लोग गोद ले लो तो मेरे घर पे हमेशा सब कोई बने रहेंगे आप लोग इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर नजर की हमारी मोहब्बत पे लोगों की है ना बहुत सारे लोग। अरजान क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? अरजान की बुबू निकल गई। कौन है तू? इनमें रोने लगती है वो दुआ दुदू भी नहीं है ये। माशाल्लाह अल्लाह करे हम लोग की इसी बात बनी रहे। मैं तुम्हारी जैसे काम चोर को घर रोज बोला। हाँ, काम वाम तो करती नहीं है। पूछना नहीं है ऐसी बात नहीं है। अगर देखिए मैं सारा क्यों आती हूँ आराम हो जाते मुझे थोड़ा। हाँ थोड़ा आराम। अब मैं किसके घर जाके आराम करूंगी? मेरे घर आ जाओ। आओ कितना बना मेरे घर आ जाओ। आराम आती ही नहीं है तो कैसे आराम मिलेगी? हनी देखो इधर मारपीट हो रही है। बेटा बोलो तुम मेरे घर क्यों नहीं आती? किरण बताओ तो आऊंगी। कब आऊंगी बोले? देखो मेरी दोनों खाला लड़ाई कर रही है। मैं तो सारा को हमेशा बोलती संडे को आना, इसलिए जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे सारा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है। सेम एरिया डायरेक्ट मार्केट और मैं और अमरीन अगल बगल ही रहती हूँ। सेम एक हम लोग एरिया में रहते हैं। बहुत दिक्कत। फाइनली चिल्ली हो गई है रेडी। अभी इसको सेट कर दे रही हूँ। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। उस टाइम पे थोड़ी सी लाइट नहीं जल रही थी ठीक तो कलर। हे गाइस, तो यहाँ पे मैंने गाजर और जो बीन फ्रेंच बीन्स थे उसे अच्छे से मैं थोड़ा सा बॉईल वाटर में मतलब गर्म पानी में उसे थोड़ा एक दो मिनट के लिए मैं उसे पका लूँगी ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। यहीं पे मैं पोटैटोज़ भी ऐड कर दूँगी ताकि पोटैटोज़ भी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गल जाए यू नो, और इसका थोड़ा कच्चापन भी निकल जाए तो इसी अच्छा मसाला में टेस्ट आए। सारे वेजिटेबल्स फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं पोटैटोज़ को फ्राई करूँगी। पोटैटोज़ को किस तरह से उबालना है कुक करना है तो आपने देख ही लिया, तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे इस तरह से पोटैटोज़ देखिए फ्राई हो रही है और चावलों को हमें पानी नमक सारे गरम मसाले डाल के इस तरह से यहाँ पे पका लेना है। गाइस यहाँ पे अनियन देख सकते हो फ्राई हो गया है, सॉरी पोटैटोज़। तो अब यहीं पे मैं डाल दूँगी वेजिटेबल्स क्योंकि सब तो एक साथ ही बनाने, तो वेजिटेबल्स यहाँ पे डाल देंगे जो कि मैंने उबाल लगा दिए थे आप देख लिया था आपने। इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स को। और यहीं पर मैं डाल दूँगी कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैंने सिर्फ नहीं उबाला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और आपको और वेजिटेबल्स चाहिए जैसे गोभी एंड मटर का सीजन आ जाए तो मटर और भी जो सब्जी अगर आपको पसंद हो, बहुत लोग कैबेज वगैरह भी डाल देते हैं। तो डाल लिए थे यहाँ पे सब वेजिटेबल्स दिख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसी पे मैं डालूँगी पनीर। यहीं पे मैं डाल रही हूँ पनीर। पनीर को भी थोड़ा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्के हाथों से इस तरह से पनीर को फ्राई कर लें। सो गाइस यहाँ पे मैंने पनीर फ्राई करके निकाल लिया। इसी में मैं अनियन डालूंगी। यहाँ पे मैं अनियन डाल दूँगी। यहीं पे मैं थोड़ा गरम मसाला डाल दूँगी। सो गाइस यहाँ पे थोड़े गरम मसाले भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे अनियन को थोड़ा फ्राई होने देना है, ओवर फ्राई नहीं करना है। यहाँ पे मेरे अनियन ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े से फ्राई हो गए, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करते हुए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। मैं यहाँ पे एक किलो चावल पका रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं एंड सारे मसाले बनाए हैं, आप भी उसी के अकॉर्डिंग बनाएं मसाले जितना चावल होता है उसके हिसाब से। अगर आप कम बना रहे हो तो यहाँ पे सारे मसाले थोड़े थोड़े से कम कर देना। यहाँ पे अच्छे से लहसुन भी भून चुकी है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी पहले शुगर सॉरी चीनी नमक सॉल्ट एंड मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े मसाले डालते जाऊँगी, थोड़ा सा ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर, ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा खाली वेजिटेबल्स के कलर के लिए हाफ टी स्पून यहाँ पे सॉटे कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर कर नहीं 2 स्पून डाल दूँगी रेड चिली पाउडर एंड ग्रीन चिली ऑल्सो इसमें जाएगा एंड थोड़ा सा ऐड करूँगी यहाँ पे धनिया पाउडर एज अ टेस्ट एंड थोड़ा सा ऐड करूँगी हाफ टी स्पून के करीब जीरा पाउडर एज अ टेस्ट एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगी, तो यहाँ पे अच्छे से ऐड कर दिया वाटर मैंने सी एंड अच्छे से इसे चला लेंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से कूक्ड हो। एंड इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद देख सकते हैं चावल यहाँ पे हो गया है। अब इसे हमें छान देना है इस तरह से, ये अच्छे से हो गया। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये टमाटर ताकि ये गल जाए साथ में, मसालों के साथ टमाटर भी अच्छे से गल जाए।
गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे मसाले देख रहे ये हो चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी रोज़ वाटर, आपके पास केवड़ा वाटर हो तो वो ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या है ना कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसमें टेस्ट आएगा। अब ये हो चुका है, ये मसाले गल चुके हैं, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा बिरयानी मसाला। तो गाइस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला, मैंने एवरेस्ट का बिरयानी मसाला लिया है, ज़्यादातर कि मैं तो अपना होममेड बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ। यहाँ पर 2 टीस्पून के अकॉर्डिंग डाला है मैंने बिरयानी मसाला। सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए बिरयानी मसाला डालते साथ ही, और अच्छे से इसे चला देना है। चावल हो गए हैं, अभी इसे पसा देंगे। यहाँ पर डाल दिया, अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, वेजिटेबल को ऑलरेडी से पहले से गले हुए, बस थोड़ा मसाला यहाँ पे चाहिए। मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे और ऐड कर दे रही हूँ। इस तरह से हो गया है, तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें जैसे ही पहला ये उबाल आएगा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी दही। थोड़ा सा यहाँ पे चिली डाल दें, टेस्ट आएगा। 1-2 पीस आप इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, इस तरह से टेस्ट के लिए। अच्छे से धो लें, उसके बाद सॉल्ट आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है, यहाँ पे ऐड करूँगी दही। दही मेरा यहाँ पे आपने 250 ग्राम के अकॉर्डिंग या भी 200 ग्राम के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लें दही डालने के बाद। इससे क्या है ना कि पूरी रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी बिरयानी का टेस्ट आएगा, वेजिटेबल बिरयानी। दही जैसे डालने के बाद पहला उबाल आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे पनीर। पनीर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे फ्लेम स्लो कर देना है, अधेन हमारी ये सब्जी तैयार है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पहला पे उबाल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी पनीर। पनीर को मैंने तल लिया था तो ये स्टिकी हो जाती है, फिर इस तरह से डाल लेंगे। अच्छा से यहाँ पर डाल लेने के बाद पहला जो उबाल आएगा उसके बाद आपने क्या करना है, बंद कर देना है आँच को। सो गाइस यहाँ पे पहला उबाल आ चुका है, तो देख सकते हैं अब मैं इसके यहाँ पे फ्लेम बंद कर दूँगी। अब मैं पनीर इसकी जो टेस्ट होता है वो जब ढक्कन इस पर लगा दूँगी ना, तो पनीर इसका टेस्ट ले लेगा मसालों का, और उसके अलग दम लगा देंगे। सो गाइस अब यहाँ पे सब देख सकते हैं, मैंने जिसमें पकाया था मैंने उसी की चावल को आधा कर लिया है, यानी आधा मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया, देख सकते हैं यहाँ। एंड अब मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी इस तरह से। यहाँ पे इसकी जो है ना हम लोग दम लगाएंगे, लेयर बाई लेयर तह लगा दूंगी, इसको तह लगाना कहते हैं। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा गाइस, आप ट्राई कीजिएगा। आप मुझे थैंक यू जरूर बोलने आएंगे कि मैम आपने कितनी अच्छी रेसिपी शेयर की। अच्छा मुझे भी आराम हो जाएगी सारा, कभी मुझे भी बनानी हो तो तुम्हारी देख लूंगी, है ना। बेशक, ये क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पे चावल ऐड करूँगी। सो गाइस अब यहाँ पे मैंने चावल ये जो ले लिया है ये इसी तरह से यहाँ पे लेयर बाय लेयर डाल दूंगी। देखो तो ढकना है ना अंदर वाले पार्ट्स को। गाइस इस तरह से एक लेयर डाल दिया, एक लेयर के बाद फिर मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल देने हैं, और इसी तरह से मुझे 2 लेयर लगा देना है, फिर मैं आपको वीडियो दिखा दूँगी। सो गाइस एक लेयर हो गई, और अब दूसरा फेयर। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। सो गाइस इस तरह से रेडी हो गई है। ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर से आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दें, और बाद में अगर कम लगेगा तो आप वो भी ऑयल डाल सकते हैं। अब मैं इसको लगा दूंगी दम, और इसे गैस पे चढ़ा दूंगी। इस तरह से दम लगा दिया मैंने। अब जा रहे किचन की कैसी हालत हो गई है, अब यहाँ पर बर्तन वगैरह है सब उसको साफ़ कर लेती हूँ। देखिए किचन की कैसी हालत हो गई है, एक ज़रा खाना बनाने में किचन की कैसी हालत हो। तो गैस खाना तो रेडी हो गया, अब उसके बाद बर्तन शर्तन बचे हैं, तो आप थोड़ा उसकी भी क्लीनिंग कर लीजिए। उसके बाद किचन हो सारे मैच मेरे खाने बनाने में ही चले गए, तो मैच में क्या दिखूँगा, मैच में भी मैच में देख सकती गैस। थोड़ा सा चावल यहाँ पर रेडी के लिए निकाल था, उसको लगा दे दूँगी। तो यू नो औरतों की किस्मत में मैच नहीं है सही से, तो यू नो बर्तन बर्तन चले गए। देखो ना
आ जाओ हानिया, आइए चलिए, आइए खाना खाइए, आइए अर्जुन आप भी आइए, आपको यही पसंद है खाना सूखा ये? ऐसे खाते हैं, एक खाइए अपना, अर्जुन आप भी। मैच दिखने जाऊंगी थोड़ा सा, तो फाइनली खाना वाना तो हो गया, बट मुझे तो मन ही ख़त्म हो गया जब इंडिया हार गया तो। एंड गाइज तो थोड़ा अफसोस हो गया कि यहीं पे फिर व्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया गया और कुछ भी शूट नहीं किया, और फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग बाद में आप लोगों से शेयर करूंगी जब नेक्स्ट फाइनल मॉर्निंग है। और घर वर की क्लीनिंग हो गई है, बर्तन वर्तन सब धुला गया है। सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।